हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आखिर सिजेरियन डिलीवरी क्यों करानी पड़ती है। सिजेरियन का मतलब ऑपरेशन से जो डिलीवरी होती है, या इसको ये बोले कि जो एब्डोमन के ऊपर, पेट के ऊपर जो चीरा लगाकर जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो उसे ऑपरेशन डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन बोला जाता है, या LSS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब कई बार दिमाग में ये सवाल आते हैं कि साहब, ये नॉर्मल नहीं हो सकती थी क्या? क्यों डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, या हमारा बच्चे नीचे से डिलीवर क्यों नहीं किया? तो उसके कई कारण हो सकते हैं। सिजेरियन डिलीवरी अमूमन इमरजेंसी होती है जनरली, बट कई केसेस में ये प्लान्ड भी होती है, यानी कि आपको पहले से डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो आपका ऑपरेशन से ही डिलीवरी करानी पड़ेगी। अब ऐसी कौन कौन सी स्थितियाँ हैं कि जहाँ पर आपको डॉक्टर पहले बता देते हैं, यानी कि प्लान सिजेरियन कब कब करना पड़ता है? कुछ ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें बच्चा अबनॉर्मल पोजीशन पर है, जिसकी वजह से वो नीचे से डिलीवर नहीं हो सकता, जैसे कि बच्चा उल्टा हो सकता है, यानी कि सिर ऊपर की तरफ है, पैर नीचे की तरफ है, जिसको ब्रीच बोला जाता है, बच्चा टेढ़ा है या बच्चा आड़ा है, यानी कि ट्रांसवर्स लाई के अंदर अगर बच्चा है तो वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो पाएगा, इसलिए उसके लिए ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। या बच्चे में ऐसी कोई जन्मजात खराबी है, यानी कि किसी बच्चे के कोई दो सिर हो सकते हैं, या बच्चे का कुछ और कोई ऐसी एनोमली है जिसकी वजह से बच्चा नीचे से नहीं निकल सकता, तो भी आपको सिजेरियन ही करवाना पड़ता है, तो प्लान सिजेरियन पहले से ही बता दिया जाता है। तीसरा कारण हो सकता है कि बच्चेदानी में जो आंवल नाल का पोजीशन है वो ऊपर ना हो के नीचे की तरफ, यानी बच्चेदानी के जो रास्ता होता है, सर्विक्स की ओपनिंग होती है, उसके आसपास होता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा नीचे से डिलीवर नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति में पूरे 9 महीने कई बार ब्लीडिंग होती रहती है, और कई बार जैसे ही बच्चेदानी का मुंह थोड़ा खुलता है काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। इसे प्लासेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं, तो प्लासेंटा प्रीविया की अगर कोई कंडीशन है तो भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं पॉसिबल होगी। इस तरीके से कुछ ये जो चीज़ें हमने बताई हैं ये ऐसी हैं कि जहाँ पर आपको प्लान सिजेरियन करवाना पड़ता है, या फिर अब आपकी कोई पुरानी डिलीवरी, यानी पहले एक या दो सिजेरियन ऑपरेशन हो चुके हैं, यानी कि अगर आपके दो सिजेरियन हो चुके हैं तो तीसरी डिलीवरी फिर ऑपरेशन से ही होगी, क्योंकि उसमें बच्चेदानी पे जो टांके लगे हैं उनके खुलने का या फटने का खतरा रहता है। या आपका ऐसे पहले कोई ऑपरेशन हुआ है, जैसे कि कोई बच्चेदानी की गांठ निकालने का, या कोई बच्चेदानी दो होती हैं उनको जोड़ने का कोई ऑपरेशन हुआ है जिसमें बच्चेदानी पे स्टिचेस लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में भी नॉर्मल डिलीवरी के जो पेन होते हैं और बच्चेदानी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं उसके अंदर कारण बच्चेदानी डैमेज हो सकती है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी की सलाह नहीं दी जाती है, तो उसमें भी हम जल्दी डिलीवरी करा लेते हैं। कई बार बच्चा इतना प्रीटर्म होता है और बच्चे में पहले अबॉर्शंस का हिस्ट्री था, या बच्चे में ऐसा कोई नुकसान होने का खतरा हो सकता है, तो भी हम सिजेरियन करना पड़ता है। और कई बार माँ का ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो दर्द आते हैं उससे बीपी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दौरे पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि एक्लैम्पशिया हो सकता है, तो वो डेफिनेटली फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता, तो सिजेरियन करना पड़ता है। इसके अलावा बच्चे का वज़न अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो भी सिजेरियन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बच्चा, यानी 4 किलो के ऊपर का बच्चा है तो नीचे से नहीं निकल पाएगा, और नीचे से निकलेगा तो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, आपका पेल्विक फ्लोर कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा, जिससे कि आगे चलकर आपको प्रोलैप्स की या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन सब से बचने के लिए हमें सिजेरियन डिलीवरी एक सेफ़र ऑप्शन होता है, जिसमें जच्चा और बच्चा दोनों को बचाया जा सकता है। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस थी जिसमें कि हम प्लान्ड सिजेरियन करते हैं, बट कई बार आपको एंड मोमेंट पर, यानी कि इमरजेंसी में भी डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि अब आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, अब आपको सिजेरियन करना पड़ेगा, तब आपको लगता है कि डॉक्टर कहीं पैसा बनाने के लिए तो आपको ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता, पैसा बनाने के लिए कभी भी सिजेरियन नहीं किया जाता है, ये मिथ है या एक सोच है लोगों की, वो ऐसा नहीं होता है। हमेशा कोई ना कोई कारण होता है जिसकी वजह से डिलीवरी को, अगर नॉर्मल नहीं पॉसिबल है तभी सिजेरियन किया जाता है। इमरजेंसी में जैसे आपका पूरा 9 महीना आपका सही निकला है, बच्चा आपका सही है, वज़न भी ठीक है, बीपी, ब्लड शुगर और बाकी सब भी ठीक चल रहा है, पानी भी ठीक है, और सब कुछ सही होने के बावजूद आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप पहुँचे हैं डॉक्टर के पास, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि सिजेरियन बोला डॉक्टर ने, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है? सबसे मोस्ट कॉमन है कि बच्चे की धड़कन का कम होना, कई बार बच्चे की धड़कन चलते चलते काफ़ी कम हो जाती है, यानी कि नॉर्मल 110 के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन अगर वो 110 से नीचे आ रही है, कभी 80-90 या 100 के आसपास ही आ रही है, तो बहुत ही इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें डिले किया जाए तो बच्चे के पेट के अंदर
डेथ हो जाती है, बच्चे को बचाया नहीं जा सकता, तो बहुत इमरजेंसी होती है। इसके अलावा कई बार सडनली बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको एब्रप्शियो प्लासेंटा बोलते हैं, और ऐसी स्थिति में भी बच्चे की जान को खतरा हो जाता है, कई बार बच्चे की जान चली भी जाती है, लेकिन माँ को बचाने के लिए फिर कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है। तो सडन ब्लीडिंग की कंडीशन में भी माँ, जच्चा और बच्चा दोनों को बचाने के लिए ऑपरेशन की एकदम से इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपके दर्द जो चल रहे थे, बच्चा नीचे नहीं खिसक पा रहा है, यानी कि बच्चा कॉन्ट्रैक्शंस जो आ रहे हैं वो एबनॉर्मल आ रहे हैं, सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं आ रहे हैं, और बच्चा नीचे नहीं खिसकता है, तो भी ऑपरेशन करना पड़ता है। कई बार पानी की थैली पहले फूट जाती है और सारा पानी नीचे ड्रेन हो जाता है, और बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, और 2 से 3 दिन के अंदर भी अगर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, देन डेफिनेटली हमें बच्चा तो बाहर निकालना ही होता है, तो फिर सिजेरियन ऑपरेशन ही एक रास्ता रह जाता है। इसके अलावा अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, यानी कि दवाई डालने के बाद भी और दर्द बढ़ रहे हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति में बच्चेदानी फटने का खतरा हो जाता है, तो भी ऑपरेशन करना पड़ता है। तो यानी कि अगर आपको दर्द आने के बाद दर्द बढ़ते नहीं है, सही तरीके से दर्द नहीं आ रहे, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, बच्चा नीचे नहीं खिसक सकता, या बच्चे की धड़कन कम हो गई है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, या पानी छूट गया है और अब बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा हो गया है, तो इन सारी कंडीशंस में इमरजेंसी में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। तो जब भी सिजेरियन आपको बताया जाता है, तो डेफिनेटली जच्चा और बच्चा की सुरक्षा के लिए बताया जाता है, उस बात पर ज़रूर गौर करें, सही सोच समझ कर डिसीजन लें। सिजेरियन ऑपरेशन करना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिजेरियन ऑपरेशन होने के बाद आपका कुछ हो जाएगा या आप अपना बॉडी बहुत ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी कराने के बाद डेफिनेटली पेल्विक फ्लोर, यानी कि जो नीचे के बच्चेदानी का रास्ता है, वो डैमेज होता है, और बाद में जाकर अगर मल्टीपल डिलीवरीज होती है, जैसे किसी को 3 या 4 5 डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो उसका पेल्विक फ्लोर कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है, तो उनको खांसी और छींक के साथ पेशाब निकलने की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको प्रोलैप्स की यानी बच्चेदानी नीचे खिसकने की समस्या हो सकती है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी के साइड इफेक्ट हैं, सिजेरियन के साइड इफेक्ट नहीं है। सिजेरियन अगर आप करवाते हैं तो आपका पेल्विक फ्लोर बिल्कुल डैमेज नहीं होता, सेफ रहता है, बच्चेदानी नीचे से ढीली नहीं होती है, और बाद में इंटरकोर्स के समय भी आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। ऊपर के स्टिचेस आजकल बहुत ही फाइन तरीके से लगाए जाते हैं, जो बिल्कुल पता नहीं चलते, और बिल्कुल नीचे की तरफ बैली के जो लाइन होती है उसी में लगाया जाता है, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ऑपरेशन हुआ है, और ऑपरेशन के जनरली 2 से 3 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और आप बच्चे की टेक केयर आराम से कर सकते हैं। तो सिजेरियन अगर बोला है तो घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जच्चा और बच्चा की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी बात का ध्यान रखें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।